अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बहुत ही एंथुसियाज्म, एक एनर्जी के साथ। एपीजे अब्दुल कलाम के कोटेशन से शुरू करना चाहता हूं कि क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग। जब आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है तो आपके अंदर सोच आती है। थिंकिंग लीड्स टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। थिंकिंग आपको नॉलेज तक पहुंचाती है एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। नॉलेज आपको महान बनाता है। गाइज, टू बी ग्रेट, एक महान बनने के लिए यू हैव टू एक्चुअली टेक नॉलेज। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, नॉलेज इज इक्वल टू राइचियसनेस। नॉलेज इज इक्वल टू राइचियसनेस प्लस हार्डवर्क प्लस प्रिजर्वेंस एंड प्लस क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव। तो जब आप क्रिएटिव रहेंगे, आपके अंदर राइचियसनेस रहेगा, आपके अंदर हार्डवर्क रहेगा और आपके अंदर प्रिजर्वेंस रहेगा, तो आपके अंदर एक नॉलेज रहेगा और नॉलेज विल मेक यू ग्रेट। नॉलेज आपको महान बना देगा। आज की टॉपिक, आज की बात शुरू करने से पहले मैं छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कि आज मैं मेट्रो में जब ऑफिस आ रहा था, मालूम है, मैं अंदर गया, मैं वहां पे एक चाइनीज लड़की और एक चाइनीज लड़का, दो लोग अंदर आए और चाइनीज लड़की काफी ब्यूटीफुल थी। मैंने भी देखा, इंप्रेस तो नहीं हुआ, ऐसे इंप्रेस नहीं होता मैं, लेकिन मैं देख रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था। और जब मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था तो चाइनीज लड़की सभी से बैठ के वो इंटरेक्ट कर रही थी और सवाल जवाब कर रही थी। लोग बड़ा देखने लगे, उसको स्टेयर करने लगे, घूरने लगे, भाई क्या कर रही है। शी वाज फ्रैंक थी और हम भारत वासी जो होते हैं जानते हैं। तो एक लड़के के बगल में बैठे हुए पूछे, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू, और लड़का खिसके जा रहा है। तो वहाँ पे मुझे एक ऑब्जर्वेशन मिला कि भाई, ये जो एक डिस्टेंस होती है, एक जो हमारा ओपननेस होती है, वो किसी के पास ओपननेस नहीं होती है, किसी के पास ज़्यादा ओपननेस होती है। खुलापन चाइनीज लड़के के पास ज़्यादा था और खुलापन वहाँ इंडियन लड़के के पास हमारे कम था। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया भैया, या नहीं तो उसके बगल में गर्लफ्रेंड या वाइफ रही होगी, मैं उसके बारे में नहीं जानता। छोटा सा ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन हुआ मेरे साथ, मैं इतवार को जामा मस्जिद पे गया था, ऐसे घूमने में जाता रहता हूँ, तो आई वेंट देयर, मैं वहाँ पे गया और मैं वहाँ पे ऐसे देख रहा था तो जामा मस्जिद के होटल के सामने एक्चुअली लोग बैठे हुए होते हैं, वो जो लेबर लोग होते हैं वो बैठे हुए होते हैं कि कोई आता है 1500 रुपये देता है और वो होटल वाला उनको खाना खिलाता है। मैं सभी का चेहरा पढ़ा, सभी के फेस को रीड किया, लेकिन वहाँ पे एक पर्सन, एक लड़का, मुझे कम से कम उसकी 22 साल की उम्र रही होगी, वो मुझे दिखाई दिया। मैं उसके फेस को कंटिन्यू पढ़ रहा था और उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त भूख थी। मैंने जो रियलाइज़ किया, मैंने माना, उसको पहला वाला डोज मिला, पहली रोटी का जो रोटी मिली, तुरंत हो गया खाने लगा। मैं उसको देख रहा हूँ, फिर खाने के बाद फिर आया लाइन में बैठ गया, फिर उसको दोबारा मिला, फिर खाया, फिर वो आके फिर बैठ गया, फिर तीसरी बार उसको मिला, फिर खाया। तो मैंने सोचा, क्यों ना एक भूख पे थोड़ा सा बात की जाए, स्टारवेशन पे बात की जाए, तो ये भी एक नॉलेज है, ये भी एक ज्ञान है। जब मैंने स्टारवेशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी की, जब मैंने भूख से पीड़ित, भूख से अफेक्टेड लोगों की स्टडी की, तो मैंने पाया कि लगभग जो है कि हमारे 821.6 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड ड्यू टू स्टारवेशन। स्टारवेशन से लगभग 821.6 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए, 99 मिलियन जो हमारे चिल्ड्रेन, लगभग 5 साल की उम्र के बच्चे जो है कि मर जाते हैं, या उनके ऊपर इफेक्ट, ये उन अंडरवेट होते हैं, उनका वजन सही से नहीं होता, उनकी हेल्थ सही से नहीं होती। 99 मिलियन चिल्ड्रेन, बच्चे इस दुनिया में है 5 साल की उम्र तक। 2 बिलियन 200 करोड़ लोग हमारे दुनिया में ऐसे हैं जो ऑबेसिटी के कारण, जो चर्बी के कारण, जो मोटापे के कारण, जो ओवरवेट के कारण पीड़ित है इस दुनिया में। 2 बिलियन पीपल 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में कहीं ना कहीं अंडर न्यूरिश्ड हैं, मतलब उनको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, मेल नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, वाइटमिन्स नहीं मिल रही है, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, इसलिए वो हेल्दी नहीं है। इस तरह की चीजों को मैंने पढ़ा। व्हेन यू आर हंग्री, वो कहते हैं ना कि आज भूख लगती है भी तो रोटी नहीं मिलती, कल भूख नहीं लगती थी फिर भी माँ रोटी ला के डबल देती थी, वो हाल थी पहले की बात। लेकिन आज इंसान भाग दौड़ की ज़िंदगी में है और इसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा और मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ नॉलेज, ये भी एक नॉलेज है एंड नॉलेज मेक्स अस ग्रेट। नॉलेज हमें महान बनाता है। मैं आपको सीधे आपको अगर फैक्ट बताता चलूँ, ये सारे फैक्ट हैं। आपका अगर एशिया महाद्वीप की बात करेंगे, आप SA साउथ अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे, ये दोनों आपके कंटिनेंट्स, मोस्ट अफेक्टेड कंटिनेंट्स हैं इन दिस वर्ल्ड
बिकॉज दीज कंटिनेंट्स आर हैविंग द स्टारवेशन प्रॉब्लम. देखिए स्टारवेशन जो होता है वो तीन स्टेप में होता है. एक तो आप एक दिन के लिए व्रत रखें, रोजा रखें, तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है. आपके अंदर ऑलरेडी जो कोलेस्ट्रॉल आपका है, जो एनर्जी आपके अंदर है, वो आपको कहीं ना कहीं एनर्जी देती है. जब आप दो तीन दिन भूखे रहते हैं तो दूसरे स्टेप में आप आ जाते हैं, और वहीं पर आप जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन से आपको खाना नहीं मिलता, एक महीना नहीं मिलता, दो महीना प्रोटीन नहीं मिलती है, तो आप आ जाते हैं स्टारवेशन की कैटेगरी में. और जब आप आते हैं स्टारवेशन की कैटेगरी में, वहीं आपकी हो जाती है, आपके जो पार्ट्स अंदर बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और आप कहीं ना कहीं आपकी डेथ भी हो सकती है. आपको पता होना चाहिए इन एवरी 9 डेथ, हर 9 मौत में एक मौत स्टारवेशन के कारण होती है. एक मौत स्टारवेशन के कारण होती है. 2010 की अगर मैं बात करूं तो हर दिन, पूरे साल में हर दिन 20,000 लोग मरते थे स्टारवेशन की वजह से. 2016 की अगर मैं बात करूं तो हर दिन जो है कि 15,000 लोग मरते थे स्टारवेशन के कारण. ये स्टारवेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ दिस वर्ल्ड. और मैं आपको एक छोटा सा और फैक्ट बताते चलूं, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है, ऑफन पीपल फील दैट कि हमारे पास अनाज की कमी है, हमारे पास जरूरतों, हमारे पास जो है कि ग्रेन्स की कमी है, हमारे पास एडिबल थिंग्स की कमी है, आइटम्स की कमी है. नो, एक्चुअली नॉट, ऐसी कोई कमी नहीं है, क्योंकि दुनिया या अर्थ हमारी लगभग 10 बिलियन पीपल को, 1,000 करोड़ लोगों को खिलाने इतना अनाज देती है, लेकिन 1,000 करोड़ लोगों का अनाज एक्चुअली 7.5-750 करोड़ में भी सही से बट नहीं पाता है, इसलिए दिक्कत होती है. कनाडा में केला नहीं होता है, फिर भी कनाडा अलग अलग देशों से लगभग मिलियंस ऑफ केला, कई करोड़ों केले को इंपोर्ट कर लेता है, और कनाडा आराम से खाता है, और जो कंट्री एक्सपोर्ट कर देती है उस कंट्री के लोगों को वो केला नहीं मिल पाता. गांव में, पंजाब में मान लीजिए गेहूं होता है, उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है, बिहार में गेहूं होता है, लेकिन बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश अगर उसको एक्सपोर्ट कर देता है तो वो शहर में चला जाता है, वो पिज्जा के रूप में, बिस्किट के रूप में, बर्गर के रूप में नजर आता है, और वहां के लोगों को अफेक्ट होना पड़ता है, क्योंकि दे फेस स्टारवेशन, वो स्टारवेशन फेस करते हैं. इसका रीजन सबसे पहले मैं बता दूं, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और उसमें से कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं. जैसे सबसे बड़ा रीजन है क्या, लैक ऑफ वेजेस, जिसको पॉवर्टी बोल सकते हैं, गरीबी. गरीबी भी इसका रीजन है. इसका रीजन है लैक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन. अगर इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अगर लोगों में चीजें बट नहीं पा रही है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है. करप्शन भी इसका रीजन है कि लोग आया और नेता होता ही मिलके, अधिकारी ही मिलके खा गए, और वहां तक वो चीजें पहुंच नहीं पाई. करप्शन भी बहुत बड़ा रीजन. इसका रीजन ये भी है लैक ऑफ स्किल्ड, लोग स्किल्ड नहीं है, लोग अच्छे अच्छे काम नहीं कर पा रहे, इसलिए इसका ये भी रीजन है. और लैक ऑफ लैंड, लैंड की भी कमी धीरे धीरे हो रही, अर्थ की कमी हो रही है, इसका ये भी रीजन है. लैक ऑफ नेचर डिजास्टर की भी वजह से कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है, जैसे बहुत बाढ़ आ गई, बहुत पानी आ गया, बहुत सूखा पड़ गया, और तो नेचर डिजास्टर की वजह से भी ये चीजें हो सकती है. ऐसे बहुत सारे कम से कम 15-20 रीजन है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, स्टैग्नेशन आ गया, स्टैगफ्लेशन आ गया, और अनएम्प्लॉयबिलिटी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, बेरोजगारी आ गई, उसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है. इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई आ गई, उसकी वजह से भी दिक्कत होती है. प्राइस इंक्रीमेंट हो गया, दाम बढ़ गया, उसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है, और उस वक्त पीपल फेस प्रॉब्लम्स, लोगों को दिक्कत होती है, और लोग अपना सही से एक पेट, मतलब अपनी भूख को मिटाने के लिए खाना नहीं खा पाते. ये भी नॉलेज है, दिस इज ऑल्सो नॉलेज. मैं नॉलेज की अगर आपको एस्टोनिशिंग फैक्टर्स की बात करूं, तो मैं आपको कुछ ऐसे भी नॉलेज देता चलूं कि अगर मान लीजिए आपके गैस, आपके घर में गैस सिलेंडर जरूर होगा, और आपका गैस सिलेंडर अगर खाना पकाते हुए फट जाता है तो आप FIR कर सकते हैं, और FIR करने के बाद एजेंसी को, कंपनी को आपको 50,00,000 का कंपेंसेशन देना पड़ेगा, भुगतान देना पड़ेगा. यू डोंट नो, आप नहीं जानते, किसी की मौत हो गई, गैस सिलेंडर फट गया, यू डोंट केयर, आप केयर नहीं करते. कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस वाला कभी भी आपको FIR लॉन्च करने से इनकार नहीं कर सकता. तो मैं